हेलो दोस्तों, एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लिगामेंट की चोटें वो चोटें होती है जिसका हर जगह इलाज उपलब्ध नहीं है। कई बार पेशेंट ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर इलाज इतना महंगा होता है कि उसकी पहुँच से बिल्कुल दूर होता है। कभी कभी तो ज़मीन, जायदाद, मोटर बाइक, गहने तक बेचने की नौबत आ जाती है। और कई जगह इलाज सस्ता होता है लेकिन इतनी तारीखें मिलती है कि तारीख पर तारीख करके वो बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसके एसीएल का ऑपरेशन का नंबर नहीं आता। ऐसे में जो हमारा अस्पताल है वो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो नंबर है बिना किसी वेटिंग लिस्ट के आ जाता है और ख़र्चा इतना कम होता है कि सरकारी अस्पताल से भी 10-15 हज़ार रुपये कम में ही यहाँ पे इलाज हो जाता है। इंडिया के हर कोने से लोग हमारे पास आते हैं और एसीएल का इलाज करा के जाते हैं। आज भी मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं। आइए, जो इनका एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा रोहन कुमार नाम है। रोहन कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी बलिया का रहने वाला हूँ। आपको लिगामेंट का चोट कैसे लग गया था? हम फुटबॉल खेल रहे थे, उसी समय लग गया था, गिर गया। तो कितना दिन पुरानी बात है ये? ये होगा 6-7 महीना। आपको तुरंत समझ में आ गया था कि कोई प्रॉब्लम है या आपको बाद में पता चला? नहीं नहीं, कोई समझ में हमको नहीं आया था, बस हमको ऐसा लग रहा था चोट लगा है, हमको पता नहीं था कि क्या हुआ है। तो आपको मेरे बारे में जो जानकारी था वो कैसे लगा? यूट्यूब के द्वारा। तो आप बलिया में, जैसे बलिया तो एक बहुत बड़ी जगह नहीं है, वहाँ पर आप इलाज कराने में क्यों संकोच कर रहे थे? बहुत डॉक्टर के पास गए, 3-4 डॉक्टर के पास, दवा वो बोल रहे थे दवा खाओ सही हो जाएगा, दवा खाते खाते थक चुका, सही नहीं हो रहा था। दोस्तों, एसीएल का इलाज चूर्ण, चटनी, मालिश, सांडे के दूध की मालिश या गाय के दूध की मालिश, इस प्रकार के जो देसी नुस्खे हैं दोस्तों, इससे इलाज नहीं होता। अगर आप पैर की मालिश करोगे तो उल्टा घुटना और जाम हो जाता है। क्या आपको भी किसी ने कहा था कि तेल मालिश कर लो तो उससे घुटना सही हो सकता है? जी, मैंने फिजियोथेरेपी कराया भी है। आपको जब यहाँ के बारे में पता चला तो आपके मन में ये डर नहीं था कि मैं इतनी दूर बलिया से जयपुर कभी गया नहीं हूँ तो कहीं मेरे साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं था, हम खुद यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखे थे इसलिए हम सर हैं। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऐसा तो नहीं लगा कि यूट्यूब पे कुछ और बताते हैं और रियलिटी कुछ और होती है? सब सही है, ये यहाँ के जो स्टाफ है बहुत अच्छे हैं, ये सब सही है यहाँ की। आप ये मानते हो कि अगर बलिया के लोग हैं और किसी को लिगामेंट का चोट लगा है तो वो यहाँ पर आके बिना किसी डर के ऑपरेशन करा के जा सकता है? जी जी, जरूर सर, कोई बलिया का कोई भी पेशेंट है यहाँ पे एसीएल का चोट है, जरूर आए, एक बार सर से जरूर मिले। दोस्तों, अब इनको बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारा ऑनलाइन सपोर्ट रहेगा, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट इनकी गाइड हेल्प करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को भी, आप बलिया से हो, इस वीडियो को देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है नहीं है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे रिपोर्ट मैसेज करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक।